हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीरज कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल ईडीयू में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे आधुनिक भारत का इतिहास, और आधुनिक भारत के इतिहास में आज भाग 8 हम लोग पढ़ेंगे। और अगर जो आप लोग पीछे वाले क्लास नहीं देखे होंगे तो आप उसे देखें, और तभी ये ज्यादा बेस्ट ढंग से समझ में आपका आएगा, क्योंकि जो वीडियो है एक सीरियल वेब में डाला गया है, है ना। चलिए, तो हम लोग आज पढ़ेंगे अंग्रेजों की विदेशी नीति। अंग्रेजों की विदेशी नीति क्या है, जरा इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बोला अंग्रेजों की विदेशी नीति साम्राज्यवाद थी, है ना। अंग्रेजों की विदेशी नीति साम्राज्यवाद थी। साम्राज्यवाद का मतलब होता है कि जिसके अनुसार कोई महत्वाकांक्षी राष्ट्र, है ना, जिसके द्वारा कोई महत्वाकांक्षी राष्ट्र अपने गौरव या अपने शक्ति को बढ़ाने के लिए वो किसी अन्य देश के संसाधन या किसी प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करता है, है ना। वो किसी प्रकार के वस्तुओं का क्या करता है, उपयोग करता है। यानी कहने का मतलब है, साम्राज्यवाद का मतलब यह हुआ कि वो किसी अन्य देश से अपने देश में अपने देश की गौरव को बढ़ाने के लिए, अपने गरिमा को बढ़ाने के लिए किसी दूसरे देश से वो क्या करता है, वहां का संसाधन, वहां के हर वो चीज यूज करता है और वहां पे अधिकार जमा लेता है और अपने नाम कर लेता है। वही साम्राज्यवाद कहलाती है। बोला उन्होंने अपने लाभ के लिए विभिन्न देशों से मित्रता की, है ना। यानी अपने कौन, अंग्रेज जो है अपने लाभ के लिए, है ना, अपने लाभ के लिए बहुत सारे देशों से क्या की, किसी से मित्रता की, तो किसी से युद्ध लड़के उसके साथ उसका सभी चीजों को अपने हाथ में ले लिया, और एवं किसी से संध्या कर ली, है ना, या किसी से बंटवारा कर लिया, किसी से समझौता कर लिया। यानी इसका कहने का मतलब है कि अंग्रेजी की विदेशी नीति साम्राज्यवाद तो थी ही, और वो अन्य देशों पर भी अधिकार करना चाहता था, और अधिकार करने के पर्पज से उन्होंने क्या किया कि उन कोई अलग देश से मित्रता कर ली, है ना। अगर जो मित्रता से मानता है तो ठीक है, है ना, अगर जो मित्रता से नहीं मानता तो क्या करता, उसके साथ दुश्मनी कर लिया, बोलेगा कि तू मित्रता से नहीं मानेगा तो कोई बात नहीं, है ना, हम अपना शक्ति का प्रयोग करके तुम्हारा शासन प्रशासन के अपने हाथों में ले लेंगे। और वो अपने शक्ति का प्रयोग करता, और यानी युद्ध की भावना हो जाती थी, यानी युद्ध करके भी वो अपना किसी दूसरे पे हक जमा लेता, है ना, किसी दूसरे देश पर अपना क्या कर लेता, हक जमा लेता, या तो किसी से समझौता या संधि कर लेता। चलिए, तो सबसे पहले अंग्रेजों ने नेपाल पर आक्रमण किया, है ना, यानी भारत के बाहर, भारत में तो किया ही किया, भारत को लूटपूट के तो बर्बाद करवे किया, है ना। और अब ये क्या करने वाला है, यानी भारत के साथ साथ अब बाहरी देश में भी ये अपना आक्रमण फैलाएगा, है ना। एकदम समझिए, बैक्टीरिया वायरस की तरह एकदम धीरे 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 क्या होता जा रहा है, फैलता जा रहा है। अब क्या जाएगा, ये अंग्रेज जाएगा नेपाल में, और नेपाल में जाकर क्या करता है, बोला भारत के बाहर अंग्रेजों को सबसे पहले नेपाल से टकराव हुआ। जैसे भारत में तो था ही, भारत से टकराव तो था ही, है ना, अब भारत के बाहर वो सबसे पहले नेपाल गया और वहां के साथ क्या किया, वहां से टकराव कर दिया, है ना। अब नेपाल में जाकर क्या बोलता है नेपाल वाले से, यानी नेपाल के सरकार से, कि यहाँ का चीज अब हम अपने हाथों में करेंगे, या तो आप आसानी से दीजिए या तो इसके लिए हमें युद्ध करना पड़े, है ना, एकदम जो मन जो करना है, जैसे मन जैसे आपको हमसे टकराना है आप टकरा जाइए, इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। और वो हर एक हद तक जा सकता था, और क्या किया, नेपाल के साथ विवाद हो गया, है ना, यानी लड़ाई झगड़ा। अब कोई तो अपना देश और साम्राज्य को एकदम आसानी से तो दे नहीं सकता है ना, उसके क्या करेगा, उससे या तो लड़ना पड़ेगा या झगड़ना पड़ेगा, अगर जो हारेगा तो क्या कर लेगा, वो अपने साम्राज्य में मिला लेगा। तो उसी प्रकार से नेपाल के साथ हुआ, है ना, अंग्रेज गया और अपना बल सेना और अपने सेना को और अपने हिम्मत को प्रदर्शन देते हुए क्या किया, नेपाल के साथ टकराव कर दिया। और नेपाल के साथ विवाद के कारण 1814 से लेकर 1816 ईस्वी में अंग्रेज एवं नेपाल के बीच एक भीषण युद्ध हुआ, है ना। बोला कि नेपाल से तो टकराव होबे किया, और उसके बाद क्या होता है, 1814 से लेकर 1816 ईस्वी में अंग्रेज एवं नेपाल के बीच, है ना, अंग्रेज एवं नेपाल के बीच एकदम बहुत बहुत भीषण युद्ध हुआ, जिसमें बहुत सारे लाखों लाख क्या हुए, आदमी मारे काटे गए, है ना, बहुत सारे भीषण युद्ध हुआ, जिसका अंत 1816 ईस्वी की
सवाली की संधि से हुआ है ना। युद्ध के बाद क्या होता है, एक प्रकार का संधि होता है, समझौता होता है, यानी वो समझौता क्या होता है, यानी सगौली की संधि से होता है ना। नेपाल नेपाल के सरकार और अंग्रेज के बीच 1816 ईस्वी में सगौली की संधि होती है, और इस संधि में इसका बात और इसका बात दोनों का एग्रीमेंट जो क्या होता है, दोनों का एग्रीमेंट में सहमत हो जाता है, बोलता है कि ठीक है जो आप कहिए जो ठीक है ना, और दोनों की बातें उसे सहमति होते हुए वो संधि कर लेता है नेपाल के साथ है ना। अब क्या होता है, अब जरा भूटान के पास आता है। अंग्रेज तो अभी मैंने बताया कि एकदम बैक्टीरिया वायरस की तरह एकदम क्या होते जा रहा है, फैलते जा रहा है। भारत के बाद नेपाल, अब नेपाल के बाद भूटान, अभी कहां कहां जाएगा किसी को पता नहीं है, है ना। चलिए अब जरा जाएगा भूटान में, भूटान में भूटान में जैसा ही गया तो क्या करता है कि लॉर्ड एलिगन के प्रतिनिधि से दुर्व्यवहार एवं उस पर थोपी गए शर्त दोनों के बीच झगड़े का प्रमुख कारण था, है ना। अब भूटान में भी क्या था, लॉर्ड एलिगन के प्रतिनिधि से दुर्व्यवहार, यानी लॉर्ड एलिगन के प्रतिनिधि से वो क्या करता था, दुर्व्यवहार। दुर्व्यवहार का क्या मतलब होता है कि मैंने उसके साथ ठीक ढंग से बर्ताव नहीं करना, है ना। दुर्व्यवहार एवं उस पर थोपी गई शर्तें, उस एक तो उस पर दुर्व्यवहार कर रहा था और उस पे अनेक प्रकार की शर्त क्या किया गया था, थोप दिया गया था। उसका झगड़ा का प्रमुख कारण यही था। अंग्रेजों ने भूटान के सभी प्रमुख दर्रों पर पुनः अधिकार कर लिया, है ना। और क्या किया, झगड़ा तो करवे किया, और अंग्रेज जो क्या किया कि सभी प्रमुख दर्रों पर, है ना, भूटान के सभी प्रमुख दर्रों पर क्या कर लिया, अपना अधिकार जमा लिया। अब जरा अंग्रेज बर्मा की ओर बढ़ा, है ना। तो बर्मा की राजधानी आवा थी, बर्मा की राजधानी कहाँ थी, आवा, तथा यहाँ का शासक आलमपोरा था, यानी बर्मा की राजधानी आवा थी और यहाँ का शासक आलमपोरा था। अंग्रेजों एवं बर्मा के मध्य 3 भयंकर युद्ध हुए, है ना। अंग्रेजों और बर्मा के मध्य 3 भयंकर भयंकर युद्ध हुए, बोला इसमें बर्मा हार गया, है ना। बर्मा क्या किया, हार गया, तथा उससे ब्रिटिश सरकार में मिला लिया, यानी जैसा ही अंग्रेज जब बर्मा को जीत जाता है तो अंग्रेज ने बर्मा को भी अपने साम्राज्य यानी ब्रिटिश साम्राज्य में क्या कर लेता है, मिला लेता है, है ना, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेता है। नेक्स्ट क्या होता है कि तृतीय बर्मा युद्ध के बाद यांडवू की संधि हुई, है ना। बोला तृतीय बर्मा युद्ध होता है और उसके बाद अंग्रेज और बर्मा के बीच यांडवू की संधि हो जाती है। इसमें क्या होता है, 1885 ईस्वी में लॉर्ड डफरिन के समय बर्मा को भारत में मिला लिया गया, यानी 1885 ईस्वी में उस समय लॉर्ड डफरिन के समय बर्मा को क्या किया, भारत में मिला लिया, लेकिन 1935 में बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया, है ना। यानी अगर जो आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि भारत से बर्मा को पृथक कब किया गया, तो 1935 ईस्वी में भारत को बर्मा से पृथक कर लिया गया। अब जरा बर्मा के बाद आइए तिब्बत में, है ना। अब तिब्बत में क्या हुआ, बोला यहाँ रूस का प्रभाव बढ़ने के कारण, यानी तिब्बत में जो था रूस का प्रभाव बढ़ने के कारण अंग्रेजों ने यंग हसबैंड अभियान भेजा, है ना। यहाँ जो था रूस का प्रभाव बढ़ रहा था और अंग्रेज देखा कि अब यहाँ रूस का प्रभाव बढ़ रहा है तो हमें इससे जीतने के लिए कुछ अलग योजना की जरूरत है, और वो योजना चलाया उसने और एक अभियान चलाया, वो अभियान था यंग हसबैंड अभियान भेजा। यंग हसबैंड ने अगस्त 1940 में लहासा पर आक्रमण कर दिया, है ना। यानी यंग हसबैंड ने अगस्त 1940 में क्या किया भाई कि लहासा पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया, तथा दलाई लामा भाग गया। जैसा ही लहासा पर आक्रमण करता है तो दलाई लामा को क्या होता है, एकदम भाग जाता है ना। दलाई लामा भाग गया, और जैसी दलाई लामा भागा तो क्या हो गया कि अंग्रेजों ने चुंबी घाटी पर अधिकार कर लिया। दलाई लामा को भागते के साथ अंग्रेज ने क्या किया, चुंबी घाटी पर क्या किया, अपना अधिकार बना लिया। अब क्या होता है, अब अंग्रेज अफगानिस्तान की ओर देखता है तो क्या देखता है कि अपने साम्राज्य की सुरक्षा करने तथा, यानी कौन, अफगानिस्तान, अपने साम्राज्य की सुरक्षा करने तथा
पश्चिमोत्तर सीमा की समस्या के समाधान के कारण अंग्रेजों का अफगानिस्तान से संपर्क हुआ, है ना। यानी अफगानिस्तान जो था अंग्रेज से उसको क्या किया, संपर्क किया, और क्या चीज, सीमा के समाधान यानी समस्या के सीमा को समाधान को सुलझाने के लिए अफगानिस्तान से वो क्या किया, अंग्रेजों से वो क्या किया, संपर्क में आया। और क्या होता है कि यहाँ का रूस का प्रभाव बढ़ने से अंग्रेज भी क्या हो गए थे, चिंतित हो गए थे। अफगानिस्तान में जो था, अफगानिस्तान में रूस का प्रभाव क्या हो रहा था, धीरे धीरे बढ़ रहा था, और जिसको देखते हुए अंग्रेज भी क्या हो गए, चिंतित हो गए। और फिर क्या किया अंग्रेजों ने, बोला लॉर्ड अकालैंड ने अफगानिस्तान के संबंध में अग्रामी नीति यानी फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई, है ना। प्रथम अफगान युद्ध 1838 से लेकर 42 के बीच हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों का कोई लाभ नहीं हुआ। अंग्रेज के समय विदेशी राज्यों पर अधिकार, अंग्रेज के समय विदेशी राज्यों पर क्या अधिकार, है ना। जरा देखिए, राज और गवर्नर जनरल और बस, है ना। तो सबसे पहला राज नेपाल, नेपाल में नेपाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स, और वर्ष कब, 1816 में। नेक्स्ट है सिंध, है ना। सिंध का कौन, लॉर्ड एलन बेरो, उसका क्या शासन का, 1843 ईस्वी में। नेक्स्ट सिक्किम का कौन गवर्नर जनरल, लॉर्ड कैनिंग, और वर्ष 1861 ईस्वी में। नेक्स्ट भूटान और गवर्नर जनरल लॉरेंस, और वर्ष 1865 ईस्वी में। अफगानिस्तान लॉर्ड लिट्टन, वर्ष 1779 ईस्वी में। बर्मा लॉर्ड डफरिन, शासनकाल यानी वर्ष 1885 ईस्वी में। मणिपुर लैंसडॉन, और 1891 ईस्वी में। तिब्बत लॉर्ड कर्जन, 1903 ईस्वी में, है ना। ये सब जो अंग्रेज के समय विदेशी राज्यों पर जो अधिकार था, वो राज और गवर्नर जनरल और वर्ष, है ना, कब वो वहां पे थे इसके बारे में। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।